हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेहद आसान और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्राइड रवा इडली बनाना। इडली बनाने के लिए मैंने लिया है एक मिक्सिंग बोल, इसमें लिया है 2 कप सूजी, 1 कप दही, 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 कप पानी। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। हमने यहाँ पे बैटर तैयार कर लिया है, इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। इसके बाद हम इसे लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि हमारा बैटर सेट हो जाए। यहाँ पे लिया है मैंने इडली कुकर, इसमें 3 से 4 कप पानी ऐड किया है और इसे लो फ्लेम पर बॉयल आने के लिए रख दिया, ढककर रख दिया है। आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं ताकि बर्तन काला ना पड़े। यहाँ पे लिए मैंने इडली प्लेट्स, इन्हें मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारी इडली चिपके नहीं। लगभग आधा घंटा हो गया है, अब हम अपना बैटर चेक कर लेंगे। देखिए सूजी फूल गई है और बैटर बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 कप पानी, क्योंकि हमें बैटर ना ही बहुत ज़्यादा पतला चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक चाहिए। अब हमने बैटर को लिया है एक अलग बर्तन में, उसमें 1 सेसे इनो ऐड किया है। इनो को सिर्फ मिलाना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। इसके बाद हम इडली प्लेट्स में बैटर डाल देंगे और इडली प्लेट को सेट करके इडली कुकर में रख देंगे। यहाँ पे इडली कुकर में रख दिया है, अब हम इसे 20 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद चेक करेंगे हमारी इडली पकी है या नहीं। चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करें हमारी इडली पकी है या नहीं। मेरी इडली अच्छे से पकी नहीं थी, इसलिए मैंने 5 मिनट और पकाया था। 5 मिनट पकाने के बाद मैंने इडली स्टैंड से निकाल दिया था और ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ठंडी हो गई तब मैंने स्पून की मदद से इन्हें इडली प्लेट से निकाल लिया और देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनकर तैयार हुई है। इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए हैं, कोई भी इडली टूटी नहीं है, देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर तोड़ कर भी दिखा देती हूँ, आप मेजरमेंट्स याद रखिए, इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो इडली आपकी कभी ख़राब नहीं होगी, हमेशा सॉफ्ट बनेगी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं इडली फ्राई करने के लिए। इडली फ्राई करने के लिए मैंने लिया एक कढ़ाई, इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून ऑयल और हमने ड्राई कढ़ी पत्ता और हींग से तड़का मारा है। इसके बाद हमने ऐड किया है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च लंबा कटा हुआ। इसके बाद मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से पका लिया है। जब प्याज टमाटर पक चुका है अच्छे से, इसमें हमने इडली ऐड की। इडली को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट इडली को पकाएंगे। अच्छे से मिक्स हो गई है, ये कितनी अच्छी दिख रही है। तो इसमें हमने ऐड कर दिया हरा धनिया। हमारी इडली पककर तैयार है, बहुत ही टेस्टी इडली बनकर तैयार हुई थी। आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। एकदम मुंह में घुलने वाली इडली बनकर तैयार हुई है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।